बाबा कहन लगा बेटी रो ना मैं तेनु मुबारक देने आया हूं। फरमा दिया बाबा जिदा साई खुल जाए उनु कोदिया मुबारक। फरमाया बेटी मुबारक देना आया हूं मोहम्मदी माँ बनने वाली। फरमा दिया मैं दामन पकड़ के पूछनी आ बाबा जी तुसी कौन हो। फरमाया बेटी पहचाने नहीं ते बाबा नहीं पहचाने। फरमाया बेटी लोकी मैनु आदम आख दे। फरमा दिया बाबा ते टुर गया मैं सवेरे उठनी आ जी बमंदर पे वेखनी आ। फरमा दिया मैं बेड़े च फिरनी हूं जेड़ा पत्थर मेरे कदमों दे थले आंदा है वो मैनु चुभदा ही नहीं ना कदम रखनी आ पत्थर पिघल के मोम बन जांदा है। फरमा दिया खबरे आज पत्थरों नु की आ गया इक निकल गया पत्थर बोल के कहन लगा आमीना हैरान ना हो अज ते असी ते पिघलने आ मोहम्मद आलम दे पढ़िया पढ़िया पिघल जाना। मेरा दिल करता तुसी सुभान अल्लाह इन्नी कु वारी बोल के जाओ कि पूरा साल फरिश्ते एक दूसरे नु छुक छुक के कहन आओ दे रहा है जिथे नबी दा मिलाद हुंदा सुनी सुभान अल्लाह कह के जांदे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया बनो नज़िलु मिनल कुरान मैं हूं शिफा और रहमतुल मोमिनीन। परवरदिगार ने फरमाया कुरान मोमिन वास्ते शिफा बन के आया नल रहमतुल मोमिनीन। फरमाया रहमतुल मोमिनीन बन के आया जद यार की बारी आई। फरमाया वा मैं रुसलना गइल्ला रहमतल लिलआलमीन। अल्लाह ने यार रहमतल लिलआलमीन बना के भेजा कुरान रहमतल लिलमोमिनीन बना के भेजा जब कुरान के नाजल होने की रात की बारी आई। फरमा इल्ला अंजलना फी लैलतिल कद्र जड़ी रात रहमतल लिलमोमिनीन कुरान आया और रात हर साल मनाई जाती है उस रात जश्न मनाए जाते हैं। नौजवान रसूल पर पड़ रहने वाले हो जब रहमतुल लिल आलमीन आवे जे उदो जश्न मनाया जा सकता है। जब रहमतुल लिल आलमीन आवे उदो ही जश्न मनाया जा। अच्छा रहमतुल लिल मोमिनीन आवे जेड़ा सिर्फ मोमिन आली रहमत है ओ कुरान है ते जेड़ी रात कुरान आवे ओ रात हर साल मनाई जांदी ते लोग जश्न ए नज़ूल ए कुरान मनांदे अपने भी ते बेगाने भी ते जेड़ी रात रहमतुल लिल मोमिनीन आवे ओ रात नु जश्न मनाया जा सकदा है ते जेड़ी रात रहमतुल लिल आलमीन आवे उस रात जश्न नहीं मनाया जा सकता। जश्न नज़ूल कुरान की वजह की है क्योंकि अल्लाह फरमांदा तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह उस रात फरिश्ते नाज़िल होंदे ने ते रूह यानी रूहुल अमीन यानी जिब्रील नाज़िल होंदे ने ते जिब्रील कौन है। अल्लामा यूसुफ नबहानी फरमांदे ने इन्नमा खुलिकल खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील रब ने पैदा ही मुहम्मद की खिदमत लई कीता है ते जेड़ा मुहम्मद की खिदमत लई पैदा होया जेड़ी रात ओ आवे उस रात जश्न मनाए जा सकदे ने ते जिस रात मखदूमे कायनात आवे उस रात जश्न नहीं मनाया जा सकता। गिरामी कदर हजरात असि क्यों ना मिलाद मनाइए। मैंने याद में एक जुमला बोल के गया सा मेरा दिल करदा मैं आज फिर बोला अच्छा जी ए बाजार च फ्रूट लेन जाइए कद देखा जे को गा के इंजदा भी आवे जेड़ा दुकानदार नु कहे के ए पैसे पूरे ले लो ते ए जेड़ा गलिया गलिया फ्रूट सड़िया सड़िया फ्रूट ए मेनू दे दियो सानू ते 10 दर्जन केले च इक गलिया केला दुकानदार पा देवे ना ते असी ओ केला दुकानदार नु वापस करके कहने मैं पैसे पूरे दित्ते ने सौदा खरा लेना या तू ते मैं 10 दर्जन केले च इक गलिया केला कबूल ना करिए ते ओदा मिलाद मनावण नु तेरा जी नहीं करदा जिने तेरे मेरे वर्गे सारे गले सड़े चोरी पा ले थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो बंदा सुभान अल्लाह जो गई हो जाता
ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਪਿਆ ਜਾਗਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ जागदे ना बोलो सुभान अल्लाह नबी पाक दी अम्मी जान जदों बचपन सी अरब दी बहुत बड़ी कहना बहुत बड़ी नजूमी औरत आलिमा फाजिला लोगों के हाथ दी लकीरां वेख के तकदीरां दस रही इस औरत दे मुतल्लक किताबा च लिखा कि जदों पैदा हुई ते इहदे बाप ने इहनूं वेख्या भी देख्या अपने गुलाम ने क्या कि इहनूं जिंदा ही दफन करके गुलाम जब जिंदा दफन करने वास्ते बच्ची को लेके गया तो कब्र खोदी ना तो कहंदे अचानक मैं कब्र च रखन लगा ते हाथ से गबी तो आवाज आई ना मारी ना मारी ना मारी गुलाम के अंदर मैं दाएं बाएं देखा मैंने कोई इंसान नजरी ना आया अपना वहम समझ के दोबारा दफन करने लगा फिर आवाजें ना मारी फिर देखा कोई नजरी ना आया वहम समझ के तीसरी मरतबा दफन करने लगा तो आवाजें ना मारी नहीं पाली जाती रख जा रख रख असी पाल गुलाम के अंदर ख्याल आया कि बच्ची को नसीबा वाली गुलाम इस बच्ची को घर ले गया नोपाल के जवान की ताकि बच्ची जवानों के अरब की बहुत बड़ी आलिमा फाजिला काहिना नजूमी औरत बनी रूहानी दिल नतीदा खुबता भी बड़ी बहुत लड़ली सी हाथ दी लकीरां वेख के तकदीरां दस दी कभी कभी मदीना तैयब आंदी है ते लोग कितारा च बच्चे लैके खड़े हो जाते ने ते लोगों के बच्चे दी हाथ दी लकीरां वेख के तकदीरां दस दी नौजवान एक दिन सैयद आमीन अपनी सहेलियों के नाल बचपन खेल रही अचानक आवाज आई सौदा बिंते दारा आई सारे लोग अपने बच्चों की तारा च लैके खड़े हो गए सैयद आमीन नवी बजियां जो खड़िया हो गई जो सैयद आमीन की वारी आई हाथ दी लकीर वेख के कह लगी लोगों ये बच्ची कौन है आप नबी बनेगी या किसे नबी दी मां बने ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है मैं लगा नबी पाक दी अम्मी दा जिक्र करन ते जिन्हों अपनी मां दे अदब दा नहीं पता उन्हों मुहम्मद दी मां दे अदब दा की पता होए पता चलिया नबी दी मां दा अदब ते इहतराम ओही करदा जिहड़ा अपनी दा भी करदा आओ मैं उस मां दे बूहे ते लै चलना अज लोग कहंदे नबी दे मापिया कलमा नहीं पढ़िया ओ माज़ल्ला मुशरिकीन सन ओ पुत्तां नूं सजदे करदे सन उंज कुरान उन्हां नूं साजदीन कहंदा ई ते मैं के जाके इंशाल्लाह अर्ज करना याद रखियो जे कदे किसे नूं वेखो ना ओ नबी दी मां दा अदब नहीं पिया करदा ते समझ आया जे ये अपनी मां दा भी नहीं करदा
नबी दी मां दा अदब ओही करदा जड़ा अपनी मां दा करदा होवे। आई ए मौसम मां दे वेड़े ले चला गिरामी कदर हजरत सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अनहा जवान होईयां बाद री बायत दे मुताबिक आप चुके मदीने पैदा होईयां ए हजरत अब्दुल्लाह मक्के पैदा होके नबी पाक दे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला फरमाते ने इकरार ते काबे दा तवाफ कीता तवाफ कीता तवाफ कीता तवाफ कीता तवाफ के काबा करके फरमाते ने मैं हती में काबा च लेट गया ते मेरी आंख लग गई एक बड़ा सोना जब बाबा खाबे चाया आके कह लगा अब्दुल मुत्तलिब जब सुबह जाग जावे ते अपने पुत्र अब्दुल्ला नु नाल लेके ना ते मदीने आ जा उथे एक वहा बिन अब्द मुनाफ दी बेटी है उदा नाम आमिना है ते उदे नाल अपने पुत्र दा रिश्ता कर लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठे ते अपने पुत्र अब्दुल्ला नु नाल लिया मक्के दे उमरा नु असहाब कुरैश दे सरदार नाल ले ते आके मदीने मदीने आके पुछदे ने ए वहा बिन अब्द मुनाफ कौन है। हुन याद रखियो कि मदीना हजूर दे दादा जी दा नानका सी। हिजरत तो बाद नबी पाक जेडे बनु नजार मोहल्ले च आए ना ए नबी पाक दे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा नानका मोहल्ला सी। आप बचपन च यतीम हो गए ते आप दी अम्मी हजरत सलमा आप नु लेके नानके आ गईयां। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने नानके मदीने पले सन बचपन तो सारे मदीने वाले वाकिफ सन। पुछया ए वहाबी नबी दे मुनाफ कौन है लोगां आख्या हजूर ए तुहाडे बचपन दे यार वहीब दा छोटा भाई है इहदा नां है वहाब। हजूर दे नाना जी दो भाई सन वहाब और वहीब ए वहाबी नबी दे मुनाफ कौन है वहीब का छोटा भाई जाके दरवाजा खड़काया हजूर दे नाना जी हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ बाहर आए ते वेखिया अरब दे सरदार आए काबे दे मतवली कुरैश दे सरदार आए ने मेरे घर। नौजवानों नबी करीम दे नाना जी ने बड़ी आओ बगत कीती बड़ी खिदमत बाबा कीती अदी रात वेले जड़े वेले मक्की ते मदनी इकट्ठे बह गए हजूर दे नाना जी ने अर्ज कीती लजपाला किधर है ओ फरमाया आ मेरा पुत्र अब्दुल्ला जवान है पूरे अरब दे अंदर दा सोना नौजवान कोई नहीं मैं सुनया है तेरी बेटी आमिना जवान है अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी दा रिश्ता लेने आया आ फरमांदे ने हजूर लजपाला आमिना अज भी तुहाडी है कल भी तुहाडी है। हजूर दे दादा जी ने फरमा बेटियां दे रिश्ते इंज नहीं करी दे लोग नौजवान का किरदार पुछदे ने कारोबार पुछदे ने बरादरी पुछदे ने पुछिया भी कुछ ने रिश्ता भी ब्याह दे नहीं। हजूर दे नाना जी ने अर्ज की लजपाला मैं क्यों ना रिश्ता देवा जेड़ा बाबा खां विच तुहानू मिलिया है अठ दिहाड़े गुजरे मैनू ही मिलिया इब्राहिम खलीलुल्लाह रिश्ता लेके वक्त दे रिवाज दे मुताबिक उसे महफिल ते मजलिस च बैठे निकाह पढ़ दिता ते जेड़ी बारात दा दूल्हा अब्दुल्ला होवे ते दुल्हन आमिना होवे बराती ते फरिश्ते बन के आए कायनात दी पाकीज़ा तरीन शादी। तीन दिन मक्के मदीने रहे तीन दिन दे बाद जदों बराती वापस टुरे ना मक्के वाल सैयदा आमिना दुल्हन बन के नाल आई फरमादिया मम्मा के आई ते मैं नाज करा कि जिस घर चो आई वो भी सरदारा दा घर ते जिस घर विच आई ओ ते कायनात दा इतना मुअज्ज़ज़ घराना कि जिन्हां दी गली चलो गर्दन ते निगाहां झुका के गुज़रदे क्योंकि कोई किसे दरबार दा सजादा नशीन कोई किसे दरबार दा सजादा नशीन कोई किसे दरबार दा सजादा नशीन मेरे नबी दे दादा जान काबे दे सजादा नशीन काबे दे सजादा नशीन काबे दे अब्दुल्ला फरमांदे रहे जदों मैं आमिना नूं वेख्या ते मैं हैरान हो गया कायनात दी इफ्फत ते तहारत दी पाकीज़गी दी ताजदार आमिना अल्लाह मेरे हिस्से च रखी ते हजरत अब्दुल्ला फरमांदे रहे मैं आमिना नूं वेख के हैरान हो गया कि आमिना मेरे हिस्से ते आमिना फरमांदी है जदों मैं अब्दुल्ला वेखे एडा सोहणा नौजवान हजरत अब्दुल्ला फरमांदे हुंदे सन मैं उंज वी सोहणा वां ते उंज वी सोहणा वां पुछना जी उंज ते उंज किन्ने किवें सोहणे फरमा इक ते हाशमियां उंज सोहणा एक मुहम्मद दा नूर मथे च चमकदा है उंज सोहणा मेरा दिल करदा मैं तुहानूं एक चक्कर हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार दा लगवा लिया चलो तुसीं नहीं भोले फिर कदे सही सुभान अल्लाह
मैं रात हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जी दरबार शरीफ ते था अपने वालिद की रामी दा उस मुबारक सी राती खड़ी शरीफ आजाद कश्मीर तो उठे मैं ओ चुके मियां साहब दा इलाका फिर ओथे ते कलाम पढ़न दा तो भी कोई होर ही हुंदा ना भाई ते ओ समझन वाले ते फिर प्यार करन वाले लोग तुसी सुनावा सुनावा ਉਂਝ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਉਂਝ ਤੇ ਉਂਝ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣੀਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਰਫੇ ਗੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾ ਲੈਣਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਰਾਣੀ ਮੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ अखी पानिया जे पत्थर दिल पाला के अखी अखी पानिया सूरज वांग नूरानी मथा शादी नो तीन महीने हजूर दे दादा जी एक दिन घर आए थे फरमा अब्दुल्ला पुत्र तू हुन जवान भी है ते बेशक तू छोटा मेरे दसा पुत्रा चो सोना भी सब तू लाडला भी सब तू पर पुत्र हुन शादी शुदा तू कारोबार ना करिए अर्ज की थी सारे तस्लीम खम जो मिजाज यार में है अर्ज की थी बाबा मैं हाजिर हूं हुक्म करो फरमा बेटा मेरा काफिला तिजारत दा मुल्क शाम जा रहे मेरा दिल कर दे इस मर्तबा काफिला तुसी लेके जाओ अर्ज की थी बाबा मैं हाजिर हूं अज का नौजवान की कहते दम का दम न धोखा ना गम कमाएंगे अब्बा जी खाएंगे हम है ना अब्बा जी ते बोझ अब्बा जी कमान ते खवा पर नबी दी सीरत पढ़ के वेख ते नबी दे अबू दी सीरत पढ़ के वेख मेरे नबी ने जब देखा ना मेरे चाचे अबू तालब की औलाद बड़ी है ते घर विच मुआशी निजाम उतना मुस्तहकम नहीं ते डंगोरी पकड़ी ते बकरियां चारण मेरे नबी चाचे ते बोझ नहीं बने ते उमतियां नो दस्या कि तेरे अबू ते बोझ नहीं बने अबू नू कमा के देना अबू दी कमाई नहीं सिर्फ खाने हजूर दी अबू जी अर्ज कीती हजूर की बाबा जान मैं हाजिर हां नौजवान काफिला मक्के तो मद जब टुड़िया ना मुल्के शाम वाले ते रस्ते च मदीना ते जवाज गुजर होया हजरत अब्दुल्ला ने ख्याल आया कि मेरे नान के भी ने तो ससुराल भी ने तो थोड़े देर रुक जाओ आप रुक गए अजे में साडे दौर च कोरोना दी वबा फैली या डेंगू बुखार दी वबा फैली अल्लाह महफूज रखे साडे उस दौर च मदीना तैयबा ते उर्दे कुर्ब जवार च बुखार दी वबा फैली हजरत अब्दुल्ला मदीने रुके ते आप नु बुखार हो गया इस शिद्दत दा बुखार के बुखार दी हालत दे अंदर ही हजरत अब्दुल्ला मदीना तैयबा फौत हो गए 25 साल दी जवानी शादी नु जते महीने गुजरे मदीने फौत हो गए नान के तो ससुराल वाले मदीने कब्र बना के मक्के पैगाम भेज दिए उधर से किताब ने हजरत अब्दुल्ला का इंतजार कर रहे पैगाम जब मक्के पहुंचा तो हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब रोंदे घर कोहराम मच गया पूरे मक्के दे क्योंकि एक यूसुफ है जेड़ा मिस्र दा यूसुफ है अब्दुल्ला ओ से जेड़ा हिजाज मुकद्दस दा यूसुफ उजड़ी बस्ती सदरी आवे रंग दिती यदिया सैयदया बिना दिने तिरों दिया रात भी रोदिया नहीं फरमा दिया बदला किधरों आया
रज के बैठे आई नहीं दिन भी रोंदिया रात भी रोंदिया दुनिया डाउटी डरदे उठ नहीं करदे उड़ जावन महबूब जिना दे उन्ना जूते सबर कर जावा जवान रोंदी वेखी नहीं जाती अर्द की खाबे वाले आमिना मैं एक पुत्र दे भी अखियां ठंडियां हो जाओन मेरे दिल में भी सुकून आ जाए काबे से आवाज आई बोना उदे दुआ दिलां दा सुकून पिया मंगने असाया बिना नो पुत्र देना है जेड़ा दुआ जहाना दा सुकून आवे बड़े उच्चे लंबे कद दा बड़ा हसीनो जमीन खूबसूरत बाबा मेरे खावे बाबा आके कहन लगा बेटी आमिना रोया ना फरमा दिया बाबा मेरा अब्दुल्ला भी छड़ गया आई मेरा अब्दुल्ला भी छड़ गया आई बाबा कहन लगा बेटी रो ना मैं तेनु मुबारक देने आया फरमा दिया बाबा जिदा साई तुर जाए उनु को दिया मुबारक फरमाया बेटी मुबारक देना आया हूं मोहम्मदी माँ बनने वाली फरमा दिया मैं दामन पकड़ के पूछनी बाबा जी तुसी कौन हो फरमाया बेटी पहचानिया नहीं ते बाबा नहीं पहचानिया फरमाया बेटी लोकी मैनु आदम आख दे फरमा दिया बाबा ते टुर गया मैं सवेरे उठनी जी बवंदर पे वेखनी फरमा दिया मैं बेड़े च फिरनी जेड़ा पत्थर मेरे कदमों दे थले आंदा है वो मैनु चुभदा ही नहीं मैं कदम रखनी पत्थर पिघल के मोम बन जाता है फरमा दिया खबरे आज पत्थरों नु की आ गया एक निका जा पत्थर बोल के कहन लगा आमिना हैरान ना हो अज ते असी ते पिघल ने मोहम्मद आलम दे पढ़िया पढ़िया पिघल जाना सैयदा मैंने कदम रख दिया पत्थर ही पिघल जाता है पत्थर पिघल जाता है तुसी पूछो गया सी साहब पत्थर भी को पिघल दे पढ़ा कुरान पिघल दे उच्चा बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह कुरान में फरमा वाला कद आतैना दाऊद मिन्ना फदला या जिबालु अवबी माहू वत्तैर व अलन्ना लहुल हदीद अल्लाह फरमाता असा दाऊद ते अपने फजल दे विचो फजल कीता सारा फजल फजल दे विचो फजल ते अल्लाह फरमाता व अलन्ना लहुल हदीद हजरत दाऊद अलैहि सलाम लोहे नु हाथ लगांदे ने ते लोहा पिघल के मोम बन जांदा है रसूल पर तारण वाले हो उच्चते उच्चते रब फजल करे उते हाथ लगावे ते लोहा पिघल जावे ते ओदे कदमां दे थल्ले पत्थर ना पिघलण जिदे विच खुदा दा फजल कबीर आ वसदा सुभान अल्लाह जिदे च रब दा वड्डा ही फजल ते सारा ही फजल पिया वसदा है ओदे कदमां थल्ले पत्थर ना पिघलण ते आओ मैं कुरान पढ़ा के पत्थर पिघल दे के नहीं बोलो सुभान अल्लाह अजे मैं शुरू होया रोजाना दो तीन तकरीरां करनियां इतना हजारों किलोमीटर दा सफर करना रात दिन भी कल प्रोग्राम सियालकोट कीता पिछली रात एक सियालकोट एक लाहौर कल एक कश्मीर कीता दिन सियालकोट कीता हुण एक हाफिजाबाद करके हुण तुहाडी खिदमत च दो मैं फैसलाबाद तकरीरां सुबह करनियां तो मेरा सफर देखो ते अपने सुभान अल्लाह वेखो कोई नहीं बोले तुसीं जोर लगाओ
भाई हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया बा इन मिन अल हिजारा फिल बा يتفجر منه الأنهار وإن منها لماء يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لماء يهبط من خشية الله कश्मीर जाइए ना या किसी पहाड़ी इलाके च जाइए ते पत्थरां दे विचों पानी दे चश्मे निकल दे अल्लाह कुरान ने भी आई फरमाया फरमाया कुछ पत्थर होंदे ने पिघल जांदे ने तोना जो पानी दे चश्मे निकल दे किधरों नहर निकल दिया अल्लाह फरमांदा कुछ खशियत इलाही ना फट जांदे ने लो अनजलना हाजल कुरान अला जबल लरईतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियत अल्लाह अल्लाह फरमांदा कुरान मैं पहाड़ों ते नाज़िल करदा ओ खशियत इलाही ना टुकड़े टुकड़े ते रेजा रेजा हो जांदा पता लगा पत्थर पिघलदे भी ने टुटदे भी ने खशियत भी रखदे ने खौफ भी खा जांदे ने लुत्फ की गल एक दिन मेरे नबी एक हाउस के किनारे वजू फरमा रहे थे अबू जाल का पुत्र इकरमा गुजरिया नबी पाक ने वजू करता देख के कहता मुहम्मद नबी है फरमा जी कहता नबी है तेको मौजदा ही वो खा वो टुरदे फिरदे नबी पाक को मौजदा मांग लेंदे मेरे नबी वजू फरमा रहे थे हुजूर ने फरमाया पुत्र मैं केड़े को मौजदे लेके आया मैं बन के ही मौजदा आया मैं अपनी मर्जी का नहीं वखांदा बेटा तू अपनी मर्जी का मग मैं उम्मीद वखा दे इतना परमा के मेरे नबी ते वजू करी जा रहे थे हुन अबू जाल दा पुत्र इकरमा दाएं बाएं देख रहा की मंगा अबू जाल ते घरों कैंकरियां छेर लैके आउंदा ना ते पुछदा दसो मुट्ठी च की है मेरे नबी फरमाया मैं क्यों दसा मुट्ठी च की है ए मुट्ठी वाले को पुछ मैं कौन सुभान अल्लाह ओ ए ए कैंकरियां लैके नहीं ना आया ते ए दाएं बाएं देख रहे इकरमा की मंगा ए ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਜ਼ੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਕਾਫੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ रसूल पर ताड़न वाले मेरे नबी ए इंज पत्थर वाल देखिया ए हुजूर फरमांदे ने इकरमा पुत्र केड़ा पत्थर बुलाना है कहंदा जी ओ ओ ओ ताड़न साहब मेरे नबी पत्थर वाल देखिया ते हुजूर ने फरमाया ओ ओ ओ ओ अजे बुलाया नहीं हुजूर पुछदे ने ओ इंज मेरे नबी कीता ना ते पत्थर पानी ते दौड़ पिया ते कहंदा जी मैं आया जे नबी पाक दी नात पढ़नी है हाथ इत्थे रखिया जे मैं वेखना किन्ने नहीं खड़ा किया चलो नीचे कर लो मेहरबानी भाई तुहाड़ी हुण मेरे बाद तो सौला माँ को सारे को सारण साहब को पूछ ही लेना शाह जी को कि आसी साहब ने हाथ क्यों खड़े करवाए ते मैं आप ही दस देना बिस्मिल्लाह अल्लाह तुम सलामत रखे अल्लाह तुहाडियां जवानियां नूं बेदाग रखे हमेशा पाकीज़ा जवानियां दे मैं आप ही दस जावां मैनूं याद आ गई माई जी वडेरी है वो जिहड़ी मिसर दी मंडी च जा रही ते रश बड़ा ते मुंडियां नूं पई आखे वे हटो वे बचो वे रस्ता दे एक मुंडे पूछ लिया माई किधर लगी आ रही कहन लगी सुनिया यूसुफ पिया वेखदा है आख्या वेखदा पर तू किधर कहन लगी मैं भी खरीदन आई हूं ते मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी दी जुबान च मुंडा बोल के कहंदा शाह मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया है भारी मुंडा कह लगा माई मैं वेख के आया अगे कि तरकड़ी रखी तराजू रखे तो एक पलड़े च यूसुफ नु बिठाया ते एक पलड़े च अजीज़े मिस्र दा कुल खजाना रखा गया है ते खजाना मुक गया ते यूसुफ वाला पल्ला अजे भी भारी है क्योंकि नबी नाल कौन तुले ते मुंडा कह लगा माई तू की लैके आई है खरीदन वास्ते ते माई कह लगी पुत्र मैं घर बैठी ते ऐलान होया कि यूसुफ ओनू मिलना है जेड़ा सारी दौलत लैके आवेगा ते पुत्र मैं सारी ले आई हूं ते मुंडा पुछदा माई तेरी सारी दौलत है किन्नी ते कहन लगी मैं 12 सेर सूतर दियां अट्टियां कत के रखियां मैं सारियां ले आईयां
ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਅੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮਾਈ ਰੋ ਪਈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂਸਫ ਤੇ ਅੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਅਲ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਅੱਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਏਗਾ स्टेज बाल तुसी भी पढ़ो भाई हाथ लरा के सारे ओ पत्थरा तू कल बड़ा जान जाए सुकिया खजोरा उगा जान जाए ओ डूबे बेड़े करा जान जाए ओ डूबे इंज नहीं भाई मैं तुम्हारी आवाज सुनी है ओ पत्थरा कल सुकिया खजोरा उगा जान जाए नौजवान पत्थर कह लगे मिना अजय ते बड़े बड़े पिघल जा बड़े बड़े बोले अजय बड़े बड़े ابو جہل نے کنواں کھودیا ایک دن کعبے دے دروازے دے سامنے تے اودا ارادہ سی تہجد دی نماز محمد نے پڑھن تے آنا تے وچ ڈگن کے میں پتھر اوپر تو پھینک کے نہ تے اج کامے مکا دے پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹਜਦ ਪੜਨ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਮਨ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇਰ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲੈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਔਲਾ ਬੋਲੋ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਵੱਲਾਹੁ ਯਾਸਿਮੁਕਾ ਮਿਨਨ ਨਾਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ 8 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਜਾਲ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂਆ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਦੀਏ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੂਆਂ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਿਓ ਰਸਾ ਲਿਆਓ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਸਾ ਸੀ ਨਾ ਕੂਆਂ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਰਸਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ابو جال نالو بڑا پتھر کوئی نہیں ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوا اللہ فرماتا پتھرا چوں تے پانی نکل اوندا او کڈا پتھر جدی اکھ چوں پانی نہیں نکلدا ابو جال او پتھر جدی اکھ چ پانی نہیں نکلدا جے ایسا پتھر دل انسان میرے نبی دی عظمت ویکھ کے نہ مان سکیا ہے پتھر پر اج پگل گیا تے کہندا جے مینوں کڈنا ہے تے جاؤ کوئی محمد نو بلا کے لے برادری مصطفیٰ دی بارگاہ چاہی تے میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ہی ٹر پے کوئیں دے کنارے جا کے انجی اللہ والا ہاتھ نیوا کر کے میرے ابو کملی والے ابو جالو پکڑیا تے چک کے باہر نکل لیا علامہ جلال الدین سیوطی انیس الجلیس وچ فرماندے نے کملی والے دے غلامہ مقدرہ تے ناز کر اس محبوب دا غلام ہے جڑا ابو جالو کھوچ نہیں رہن دیندا غلامہ نو دوزخ وچ کدو رہن دے لگا او کو غلامہ نو دوزخ وچ رہن دے لگا
گرامی قادر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امی جان فرما دیا ہونا وقت انج دا آ گیا کہ میں کدن کعبے دا طواف کر جا رہی تے سامنے جانوراں دا اجڑ آ رہا فرما دیا میرے ول ویکھ کے کچھ جانور ادھر ٹر پئے تے کچھ ادھر ٹر پئے چالی سال نبی نو پتا نہ لگا میں نبی ہاں چالی سال بعد وحی آئی نبی نو پھر پتا لگا نبی ہاں چلیو نبی دے آؤں تو پہلے پتھراں نوں پتہ رسول دی ماں ہے تے رسول نوں نہیں پتہ میں رسول ہاں پتھر کہندے نے السلام علیکم یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوے تے پتھراں نوں نبی دے آواں تو پہلے پتہ رسول دی ماں ہے تے نبی نوں نہیں پتہ میں رسول ہاں حضرت آمینہ فرماتی ہیں دن گزرتے جا رہے گزرتے جا رہے ایک سفید رنگ دا پرندہ آندا ہے او دے نال پرندے دے ڈارے میرے سینے دے سامنے اڑدا تے میری تیر کر دے شام نوں چکر لگاتا میرے گھر دا تے غائب ہو جاندا پھر آ جاندا ہے اگلے دن امام غزالی فرماتے ہیں جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نوں آپ دے بھائیاں نے کنویں چ سٹیا نا تے تین دن حضرت یوسف کھوج رہے تین دن فرشتے رحمت دے آ کے کنویں دا طواف کر دے رہے او میری ملت دے نوجوان جڑے خو وچ یوسف ہوے فرشتے او دا طواف کرن آوندے نے تے جڑی ماں وچ کملی والا ہوے سبحان اللہ اساں چے پرندے نہیں اے 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 فرشتے سن مولوی ابراہیم دلوی ہے تے بیگانیاں دا پر گل ساڈے والی کر گیا کہندا ہے او فرشتے سن روزانہ سیدہ امینہ نوں ویکھن آوندے نے پوچھے کیوں ویکھن آوندے سن فرشتے تے کہندا رات اندھیری ہوے نا اے ہن تے موبائل دے وچ ٹارچ آ گئی تے لوگ ٹارچ بال لیندے آ جڑے پرانے بزرگ نے انہاں پوچھو رات نوں کو سفر کردا سی نا تے او چن ویکھ کے کردا سی چن دی رات وچ سفر کراں تے جے چن لیٹ ہو جانا تے اونے بار بار آسمان ول ویکھنا کدو چن چڑھے کدو میں ڈوباں تے جدو کائنات دے اندر کفر دا اندھیرا چھا گیا نا پھر فرشتے آمینہ نوں ویکھن آوندے نے کدوں آمینہ دا چن بولو سبحان اللہ تے چلیے پیرے بابو دے دربار تے پھر ایک بے مرشد نہ لکھے میں بولدا ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ فرشتے بے کے آنکھ دے ہون گے چڑھو اے چنا 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 خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ابراہیم تارا آدم تارا موسیٰ تارا عیسیٰ تارا پر جدو چڑھیا نا چن فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی تے پیرے باہو فرماتے ہیں تارے کہندے سن چڑھ وے چنا وے کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا کدی ابراہیم کہندے ربنا و بس فی رسولا کدی عیسیٰ کہندے و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کدی موسیٰ کہندے اللہم اجعلنی من امت محمد تارے ذکر کریں دے تیرا تارے ذکر کریں دے تیرا ہو میرے نبی دے آمد تو پہلے سارے نبی مصطفیٰ دا ذکر کر دے کے وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین نوجوانو یہ ادھے تے بحث کریے وقت درکارے لے چلنا اس رات وال جڑی رات دے سویرے تے رب سلام کہندا ہے بارہ ربیع الاول آ رہی ہے نا ہے نا
कोई तैयारी की थी के कोई ना बस इंज करो फिर एक एक सफेद रंग का सोहना जा सूट सिलवा लो ईद आ रही है ना आ रही ना भाई एक सेट सूट सफेद एक सफेद टोपी एक बैज नक्शे ना लेने भाग दा एक मिलाद दा झंडा बनेरे ते झंडा लगया ना मुस्लिम लीग दा ते घर वाले नूं अर्द गर्द वाले नूं पता ए ए ए मुस्लिम लीग वाले दा घर है झंडा लगा होवे पीटीआई दा लोक कहंदे ने पीपल्स पार्टी दा बंदा है झंडा लगा होवे किसी भी पार्टी दा लोक कहंदे ने फलानी पार्टी दा बंदा है एक झंडा मिलाद दा भी लगा गुजरन वाले नूं पता लगे मोहम्मद दी पार्टी दा बंदा है मिलाद वाला घर है भाई नबी पाक दा मिलाद मनाने वाले ते 313 मरतबा किन्नी बारी 300 फिर बोलियो 300 13 मरतबा रोजाना दुरूद खिदरी शरीफ रात नु अपने घर च पढ़न दा शुरू कर दियो सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदी व अलीही व सहाबी वसल्लम ए 313 बारी दुरूद शरीफ पढ़या करो शातु बाद मिलाद शरीफ दी तैयारी वास्ते सारी जिंदगी पढ़ो मेरे बाबा जी ताजदार चूड़ा शरीफ फरमांदे जेड़ा 313 बारी रोजाना दुरूद शरीफ पढ़े फरमांदे ने दुनिया कब्र ते हशर च जे उहनूं को मुसीबत आ जाए ते कयामत नु चूड़े वाले पीरां नु पुछ लवे ਕਦੇ ਸੰਗਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਨ ਉਹ ਸੰਗਲ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਸੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹਿਲਾਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲਾ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बस एंजी समझ फिर दुरूद शरीफ पढ़दा कड़ी मदीने तक मिला ले जब तू दुरूद पढ़ के कुंडी एथो हिलावेगा ते कुंडी मदीने भी हिल जाएगी के गुलाम पे याद कर मिलाद दा असल मकसद है अपने रब ते नबी पाक नाल कायम करो रब ते कायम करो मदीने दा ओदा रब ते दा एक ही तरीका दुरूद शरीफ पढ़या करो नबी पाक दी जात ते रात नु सावन लगे बिस्तर पकीदा लिबास पकीदा बावजूद होके दुरूद शरीफ पढ़दा बिस्तर ते लेट जा ते फिर आख्या कर मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते राती आवे कमली वाला ख्वाब च फिर वेखदे आं खुले आंख सल्ले आ दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर नबी पाक दे मिलाद दीआं तैयारियां करो नौजवान बारा रबी अल्लाह पदी रात सैयद आया आमीना फरमा दिया ने इंज लग्या वजे दे आउण दा वेला आ गया रोके कहन लगी या अल्लाह दुनिया दी आम औरत भी आए बच्चे दी वला दा दिल खिदमत लई कोई आ जांदा है अर्ज कीती या अल्लाह मेरी खिदमत लई कोई नहीं फरमा दिया चार औरतां मेरे कमरे च जाहिर होईयां मैं पुछनी आ नी कौन सारे तुम्हा डेरी कहन लगी आ मैं रोई नाल मैं आदम दी बीवी हव्वा आई दूसरी कहन लगी मैं इब्राहिम दी बीवी सारा वाँ तीसरी कहन लगी मैं फिरौन दी बीवी आसिया वाँ चौथी कहन लगी मैं ईसा दी माँ मरियम वाँ मैं पुछनिया नी किधर आया कहन लगी आ मुकद्दरा ते नाज करनिया वाँ मुहम्मद दियां दाइयां बन के आया नूर मानदा हुण मैं तुहाडे कोल मिलाद पढ़वा लगा भाई आ फरमा दिया फिर मैं वेख्या दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया ए दूर दुनिया हो गया आ गया छाना सवेरा इंज नहीं भाई हाथ चुके तो लहरा के झंडे बना के एक बारी मिल के ऊंची आवाज नाल मिला दे पड़िया जे आ गया छाना सवेरा ए सवेरा हो गया भैया आ गया छाना सवेरा युखरिजु मिन ज़ुलुमाति इला नूर छाना सवेरा मैं नहीं तुझा पढ़ना
एक मिनट नहीं पढ़ना दिल करता तो एक मेरा कुली आजमाओ फिर पढ़ोगे। एक बार अख बंद करके अपने अंदर जाती मार, जे तेरे अंदर कुफर दा अंधेरा नहीं ईमान दा सवेरा है ते मैनूं सच्ची दस आ जिहड़ा तेरे ते मेरे अंदर सवेरा है ये मुहम्मद दा नहीं ते होर किधर है। आज तेरे मेरे अंदर ईमान दा नूर मुस्तफा दा नूर ते सोने दा सवेरा है ते फिर रल के पढ़ो आ गया सोना सवेरा। खड़ा करो हाथ खड़े करो मिलाद पढ़ना भाई सारे मिलके सारे पढ़िए आ गया सोना सवेरा। इमाम इब्ने हिशाम ने लिखा नबी करीम दी अम्मी जान एक बच्ची नु बुलाओ के परवान चलती जाओ इते दादे नु बुला के लेके आओ नबी करीम दे दादा जी तमाम करके जल्दी जल्दी करे आओ। फरमाया आमीना बेटी ले आओ मेरा पुत्र मेरी गोदी च दे दे सैयदा आमीना कमली वाला दादे दी गोदी च रखे आओ नाले चीख मार के रो पिया। फरमाया बेटी आमीना रोनी क्यों अर्ज कर दिया बाबा मैनू अब्दुल्ला दी याद आई है मैं रोनी आ मेरा पुत्र जम दिया यतीम मैं रोनी आबू अबू किनो आखे गाओ मैं रोनी आ किधर सीने से सोया करे गाओ मैं रोनी आदि उंगली फड़ के टुड़िया करे गाओ मैं रोनी दिया मिठिया गल्ला कौन सुने गाओ किधे कंधे ते बह के सहरा सरे गाओ मैं रोनी आ खड़ोने कौन लेके देवे गाओ मैं रोनी आ दे मुँह कौन चुमे गाओ मेरा पुत्र जम दिया यतीम कमरे दी नुक्कर दी आवाज आई आ मैं रोईनो ए महबूब मेरा है ए अबू अबू नहीं आखेगा ए आहद आहद आखेगा ए दा सीने ते सौन जी करेगा अपने काबे दी हतीम च सुला देवांगा ए दा उंगली फड़ के टुरन जी करेगा ए दी उंगली दे इशारे ते दरख्तां नूं टोर देवांगा ए दा मिठियां गल्लां नूं जी करेगा पत्थरां तों कलमे पढ़ा देवांगा करेगा।